हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि स्टाफ नर्स की रहने वाली है। तो ये कहाँ की वैकेंसी है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली, एम्स रायबरेली की वैकेंसी है। आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नोटिस डेट एंड एडवर्टीजमेंट नोटिस देख सकते हो कि क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर ओपनिंग आउट पेशेंट एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायबरेली। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं देख लेते हैं। इसमें चार वैकेंसीज हैं। हम बात करेंगे नर्स की वैकेंसी की, तो मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, काउंसलर की एक वैकेंसी है, डाटा मैनेजर की एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे क्या चाहिए इसके लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ANM वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ आपकी जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। प्रेफर किसको करेंगे, GNM और BSc वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो 20,000 आपकी जो है सैलरी रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑफलाइन आपका फॉर्म रहेगा, इसकी कोई आपकी फ़ीस नहीं रहेगी, और सभी कैंडिडेट ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं देख लेते हैं। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप ऑफलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अवर मेंशन पोस्ट। जो मेंशन की गई हैं पोस्ट, उनको भरने से पहले आपने इंस्ट्रक्शन जो हैं पढ़ लेनी है अच्छे से। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिलअप द फॉर्म इन द फॉर्मेट प्रोवाइड। जो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया गया है उसी में ही आपने फिल करनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, प्लीज़ नोट that all the column of application have been compulsory, सभी फिल करने हैं आपने। इन केस ऑफ नील इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम, अगर कोई नील इंफॉर्मेशन है तो NA is to be written, NA लिखना है, not applicable. The form is not filled up by the candidate. जो फॉर्म होगा वो आपने कैंडिडेट ने खुद फिल करना है, और ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से फिल करना है। द फॉर्म इज़ टू बी फिल्ड नीटली विदाउट एनी ओवरराइटिंग, कोई ओवरराइटिंग नहीं करनी है, और वाइटनर या फ्लूड का यूज़ नहीं करना है। तो फॉर्म फिल करने की जो है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। नेम कैसे फिल करना है, नेम फिल करने के लिए जो मैट्रिक के आपके सर्टिफिकेट पे नाम होगा वही फिल करना है। मदर नेम में भी जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम होगा वही आपने फिल करना है। फादर नेम सेम। जेंडर नेम, जेंडर में क्या लिखना है, मेल या फीमेल। प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है आपने पिन कोड के साथ कम्प्लीटली लिखना है। मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगी। कौन से फॉर्मेट में लिखनी है, डे फिर मंथ फिर ईयर इस फॉर्मेट में लिखनी है। डिक्लेरेशन, द कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द एंड अंडरस्टैंड द डिक्लेरेशन बिफोर साइनिंग। साइन करने से पहले आपने सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, द सिग्नेचर शुड साइन टू स्पेस प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट प्लेस एंड डेट, प्लेस एंड डेट टू बी फिल्ड अप एट द टाइम फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन इज द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो एनेक्सर में दिया गया है, शुड बी सेंड टू फॉलोइंग एड्रेस। आपने कहाँ पे सेंड करना है, ये आपने स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है इस एड्रेस पे, टू रिक्रूटमेंट सेल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मनसिंहगंज रायबरेली UP। द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग फॉर्म इज 30/4/2022। तो 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर डेट ऑफ द इंटरव्यू विल बी अपलोड ऑन इन द वेबसाइट, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज द रेगुलरली विजिट द एम्स रायबरेली वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन।
अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो एम्स रायबरेली की आपने जो है साइट पे विज़िट करते रहना है, अगर आपने फॉर्म सेंड करा है अपना। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम एनी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एम्स रायबरेली। कोई भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसका नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे फ़ोटो अपना लगाना है, एप्लीकेंट नेम जो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे सेक्स लिखना है, मेल फीमेल जो भी है। फादर नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेलिंग एड्रेस अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद पिन कोड लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, पिन कोड, उसके बाद टेलीफोन नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, उसके बाद एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन का जो भी होगा वो फिल करना है। यहाँ पे कंप्यूटर स्किल की बात की गई है, इसके बारे में लिखना है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस ईमेल, अगर है तो यस पे क्लिक करना है, नो नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करना है, आपने टिक करना है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने अटैच करना है, प्रूफ भी अटैच करना है। क्या क्या अटैच करना है, आप अटैच प्रूफ ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस लाइक अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या सैलरी सर्टिफिकेट, वो आपने अटैच भी करना है। यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है कि डेजिग्नेशन क्या थी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग ड्यूरेशन लिखनी है, नेम, डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, जिनको रिपोर्ट कर सकते हैं उनका नंबर लिखना है आपने। उसके बाद कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी जो आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ पे एप्लीकेंट के अपने साइन होंगे आपके, यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस, और आपने क्या करना है इस फॉर्म के साथ जो है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो अटैच करने हैं और आपने सेंड कर देने हैं टू द, यहाँ इस एड्रेस पे टू द रिक्रूटमेंट सेल एम्स रायबरेली, इस पे आपने सेंड करने हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो यही इसकी इन्फॉर्मेशन थी, अगर कोई क्वायरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।